स्वागत है आप सबका WNCL के अंदर। इसका फुल फॉर्म है वुमेन नेशनल क्रिकेट लीग। ये ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है 50 ओवर्स का, जिसके अंदर टोटल 7 टीम्स कम्पीट करती हैं। ये टूर्नामेंट पूरा 5-6 महीने चलता है। जी हाँ, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है सितंबर के अंदर, फिर अक्टूबर के अंदर आपको पता है बिग बैश लीग स्टार्ट हो जाएगी वुमेन्स की, टूर्नामेंट पॉज हो जाएगा, फिर दिसंबर में वापस रिस्टार्ट होगा, जनवरी और फरवरी के अंदर भी आपको चलता हुआ दिखेगा। तो लेट्स सी, बहुत अच्छे मैचेस होते हैं इनके और बहुत सारे हिडन प्लेयर्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो बहुत अच्छे मैचेस होते हैं, जैकपॉट मैचेस इसको अपन कहते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये 3 साल पहले भी कवर करता था, बहुत ही प्यारा टूर्नामेंट होता है। तो मैच नंबर 1 है ये, न्यू साउथ वेल्स वुमेन बनाम क्वींसलैंड वुमेन के बीच में मैच है। कहां पे? सेंट्रल क्रिकेट के ऊपर सिडनी के अंदर ये मैच खेला जाएगा। मैच टाइमिंग सुबह के 5 बजे है। इस वन्य के ऊपर पहली बार मैच होने वाला है, तो देखते हैं यहाँ पर जो ये पिच रहेगी ये किस तरह से बिहेव करेगी, आप आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। बट उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ। इवन मैंने अभी व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप तो आप यूज करते ही होंगे, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो चैनल, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो जो भी फाइनल टीम्स आएगी यहाँ पे मैं आपको पोस्ट करके दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। अब देखो, इस वेन्यू के ऊपर पहली बार मैच हो रहा है, क्रिकेट सेंट्रल स्टेडियम के ऊपर सिडनी के अंदर एक ग्राउंड है, यह नया होम ग्राउंड है न्यू साउथ वेल्स का। रीजन क्या है, न्यू साउथ जो टीम है न्यू साउथ वेल्स, उसने अपना होम ग्राउंड शिफ्ट क्यों किया, रीजन यह है इस वेन्यू के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज है, जिम की फैसिलिटी अच्छी है यहाँ पर, और जो इंडोर नेट्स है यहाँ पे बहुत अच्छे, इस वजह से यहाँ पर जो न्यू साउथ वेल्स की टीम है इसने इसको नया होम ग्राउंड बनाया। अब देखो, आमतौर पर वुमेन मैचेस के अंदर जब भी सिडनी के अंदर मैचेस होते हैं स्पिनर्स गेम में आते हैं, ठीक है, और बैटर फ्रेंडली पिच होने वाली है, ये चीज आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। ये स्टेडियम ऐसा दिख रहा है, फोटो दिख रही है आपको ये वाली, ऐसा स्टेडियम दिखता है, आसपास बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, हवा चलती है, और ये मैच वहां पे अर्ली मॉर्निंग में होगा, तो यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको हल्की सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, टॉप ऑर्डर को बॉल वहां पे स्विंग होगी, हवा के अंदर लहराएगी, आसपास पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, हवा चलती रहेगी यहाँ पे बहुत जल्दी चलती, ये मैं कह सकता हूँ स्टेडियम की फोटो देख के। अब देखो टीम न्यूज की बात करते हैं, न्यू साउथ वेल्स लास्ट ईयर 6th पोजीशन के ऊपर फिनिश करी थी, 4 मैच जीती थी और 8 मैचेस हारी थी, ये 4 वन होगा W, ठीक है। अब देखो, इस टीम ने जॉर्ज एडम्स को साइन किया है, जी हाँ, सारा क्वाइटे तश्मीनिया से इस टीम के अंदर आई है, इबोनी हॉस्टकिन है, और यहाँ पे एसाबेला द लेग स्पिनर टीम के अंदर आई है। बाहर कौन गई है, एमा यूक्स लॉरेंस भी तश्मीनिया में चली गई है, एश गार्डनर, एलेस हेली, पॉबल जीफील्ड, ये 3 ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले, ये सिर्फ पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल है। क्वींसलैंड की बात करते हैं, लास्ट ईयर 3rd स्थान पे फिनिश किया था, 7 मैचेस जीती है, 5 मैचेस हारी है। इनके पास आई हैं बॉनी बैरी, जू कुक, ACT मिट्टोर्स इस टीम में आ रही हैं, सियाना गिंगर, केरा होम्स, बाहर गई हैं जॉर्जिया प्रेस्टिज विक्टोरिया के अंदर, और कैटलिन मैर, ग्रेस हैरिस, जेज एनसन पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल है, इसके बाद ये ज्वाइन कर लेगी ऑस्ट्रेलिया टीम को, क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया वीमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दोनों टीम्स आपस के अंदर 5 मैचेस खेले, जो पिछले क्वींसलैंड 4 जीती है, 1 मैच नोडल लिया है। 11 की बात करते हैं, अलाया सैली कैप्टन कर रही है इस टीम की, ओपन करेंगी तालिया विल्सन के साथ, पॉबी लिटचीफील्ड 1 डाउन है, गार्डनर 2 डाउन आती हुई आपको दिखेंगी, यूरिन बिंग्स है, क्लारे मोरो को 2 डाउन खिलाया जा सकता है, चांसेस है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्लारे मोरे ने अभी जो इनके प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसके अंदर 80 रन की इनिंग्स खेली थी, जी हाँ, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी वहाँ पे, बहुत तारीफ करी थी इनके कोच ने, तो इस वजह से क्लारे मोरे को टॉप ऑर्डर में मौका दिया जा सकता है। एमिका लियॉर्ड हिटर है, नीचे आती हैं, सैमी जे जॉनसन स्विंग बॉलर है, मैटलिन ब्राउन के पास स्पेस है, सारा कोटे के पास स्किल है विकेट निकालने के, विकेट टेकिंग बॉलर है, लास्ट सीजन में इसने 30 विकेट निकाले थे, 30, सोचो आप। हैनन डेलिंगटन आपको यहाँ पे खेलती हुई दिखेंगी। अब इनका जो 13 प्लेयर का स्क्वाड है उसमें जडे एलन है और शशिका हॉर्ली है। शशिका हॉर्ली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन प्लस राइट ही बैटर है, जडे एलन लेग स्पिनर है। लॉरा चिटेल अवेलेबल नहीं है, जॉर्ज एडम्स भी इंग्लैंड के अंदर है, उनकी टीम सदर्न वाइपर्स फाइनल खेलेगी 24 तारीख को, उसके बाद ये आएगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वुमन बीबीएल भी यहाँ पर खेलने वाली है आके, वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। क्वींसलैंड वुमेन की बात करें, जॉर्जिया रेडमैन ओपन करेंगी, विकेट कीपर बल्लेबाज है, कमाल के क्रिकेटर है, इस टीम ने अभी तक अपना स्क्वाड डिक्लेयर नहीं किया है। जॉर्जिया बॉल यहाँ पर इनके साथ ओपन करनी चाहिए। चार्ली नॉट 1 डाउन है, ग्रेस हैरिस 2 डाउन, मकाया हिंकली बहुत अच्छी क्रिकेटर रही है, लॉरा हैरिस, जेस जेनसन कैप्टन, एशियाना गिंगर राइटी बैटर आइटम फास्ट मीडियम है, कर्टनी सिपेर, निकोला हैंकॉक, ग्रेस पार्सन लेग स्पिनर आपको खेलती हुई दिखेंगे। इनके पास जू कुक है, कमाल की क्रिकेटर है जू कुक, इस पर नजर रखना, स्पेशल प्लेयर है।
और यहाँ पे दो सिस्टर्स हैं, इली जॉनस्टन और रुथ जॉनस्टन, ये दोनों भी बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं। अब देखते हैं लास्ट ईयर न्यू साउथ वेल्स की प्लेयर्स ने क्या किया था बैटिंग से। बॉबी लिचीफील्ड ने लास्ट ईयर 8 मैच खेला था, 400 रन ठोके थे, 50 की औसत थी, एक शतक दो अर्धशतक बनाए थे इसने। टायलर विल्सन ने 12 मैचेस खेले थे, 478 रन बनाए थे इन्होंने, 40 की औसत थी, ब्रेकआउट सीजन था, दो इसने शतक दो अर्धशतक बनाए थे। शशिका ओरली का 7 मैच के अंदर 131 रन था, हेरी मिंस ने 12 मैच में 350 रन ठोके थे, क्लारे मोरे ने 4 मैच में 96 रन बनाए थे, डलिंटन ने 5 मैच में 82 बनाया था, गार्डनर ने 4 मैच में 77 बनाए थे, हैली ने 4 मैच में 67 रन बनाए थे। फ्लॉप गई थी, इसका हाई स्कोर 26 का था। गार्डनर का हाई स्कोर लास्ट ईयर 4 मैचेस खेल के 33 का रहा था। सैमी जॉनसन 12 मैचेस में 161 रन बनाए थे लास्ट ईयर, मैटल ब्राउन ने 4 मैच में 20 रन बनाए थे। अब चलते हैं यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से मैटलिन ब्राउन ने 4 मैचों में 7 विकेट निकाले थे, बेस्ट फिगर 4 विकेट था इसका। और सैमी जॉनसन ने 12 मैच में 14 विकेट निकाले, गार्डनर ने 4 मैच में 3 विकेट निकाला था, हॉस्किन ने 10 मैच में 7 विकेट निकाले, हेरिन मिंस ने 12 में 4 विकेट निकाला, शशिका हॉर्ली का 7 मैच में सिर्फ 1 विकेट था, डॉलिंगटन का 5 मैच में 2 विकेट था। ये ओवर्स आप देख सकते हो, हेनन डार्लिंगटन ने 5 मैचेस खेल के 35 ओवर बॉलिंग कराई थी। अब दूसरी टीम देखते हैं क्वींसलैंड। लास्ट ईयर रणमाई ने कमाल खेली थी, 4 मैचेस के अंदर 167 रन करे थे, 83 की एवरेज थी, 250 उसमें शामिल थी। ग्रेस हैरिस ने 3 मैच के अंदर 149 किया था, 77 रन की बहुत अच्छी इनिंग्स आई थी एक। जेस एनसन ने 4 मैच में 39 किया, एश गिंगर ने 2 मैचेस में 68 की, अच्छी प्लेयर है। जॉर्जिया वॉल का 12 मैच में 400 रन, एक शतक एक अर्धशतक आया था। मकाई हेंगली का 12 मैचेस में 224 रन था, एक 50 आई थी। और तो और कटनी सिप्पेल का 12 में 85, एलिस जॉनस्टन का 12 मैच में 147 रन था, चार्ली नॉट का 12 मैच में 177 रन था, निकोल हैंकॉक का 12 मैच में 70 और रुच जॉनस्टन का 8 मैच में सिर्फ 35 रन था। अब मैं आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट दिखाता हूँ इनका। ग्रेस हैरिस ने लास्ट ईयर 3 मैचेस में 5 विकेट निकाला था, हर मैच में बॉलिंग करी थी, तो आप ग्रेस हैरिस को ड्रॉप नहीं कर सकते, स्पेशली डोमेस्टिक टीम से। जेस एनसन का 4 मैच में 6 विकेट था, जॉर्जिया वॉल का 12 में 3, ग्रास पार्सन बहुत अच्छी बॉलिंग करी लास्ट सीजन में, 10 मैच में 15 विकेट निकाले थे। सिपेल ने 12 में 18 विकेट निकाला, कमाल गेंदबाज है। चार्ली नॉट का 12 में 12 विकेट थे, निकोल हैंकॉक का 12 में 12 विकेट, रुथ जॉनस्टन का 8 मैच में 6 विकेट था और किसी ने कोई खास काम नहीं किया था। अब प्लेयर्स के अपन हेड टू हेड नंबर देखेंगे और अपन देखेंगे यहाँ पर फॉर्म। हैली 22 मैचेस खेली है अगेंस्ट क्वींसलैंड, 2570 रन से स्टेट्स आपको कोई ला के नहीं देगा, हेड टू हेड इनके निकालने असंभव से हो जाते हैं। 32 की औसत है, 13 कैचेस पकड़े इसने बिहाइंड द विकेट, 6 स्टंपिंग करी है, एक शतक है, 4 अर्धशतक है 22 मैचेस खेल के 20 इनिंग्स के अंदर। फॉर्म 24, 7, 13, 8, 16, 37, 5, 11 फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। तालिया विल्सन का 6 मैच में 188 रन, 3 कैचेस, 2 स्टंपिंग करी है, बट यहाँ पे हैली ही कीपिंग करनी चाहिए मोस्टली, क्योंकि इस टीम के कैप्टन विकेट कीपर बल्लेबाज है। फॉर्म बहुत अच्छा था इसका लास्ट ईयर, ब्रेकआउट सीजन था। बॉबी लिचीफील्ड का हेड टू हेड के अंदर 6 मैच में 115 रन है, वेन्यू में तो किसी ने नहीं खेला, पहली बार सोनी कीपर मैच हो रहा है। फॉर्म 13, 40, 1, 38, 39, 68, 38, 0, 42 नाबाद, बहुत अच्छी क्रिकेटर रही है ये। इस साल नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए बहुत अच्छे टच में थी द 100 के अंदर। गार्डनर 8 मैचेस में 229 रन है, 38 की औसत है, 11 विकेटें हैं, एक शतक है यहाँ पे 7 इनिंग्स में अगेंस्ट क्वींसलैंड। रन्स भी करें, विकेट्स भी निकाले हैं, फॉर्म भी इनका बहुत अच्छा है। 3 विकेट 65 रन, 1 विकेट 41 रन, 3 विकेट 33 रन, 3 विकेट 21 रन, 3 विकेट 32 रन, 0 विकेट 9 रन, 2 विकेट। हेरिन बिंस 13 मैचेस के अंदर 5 विकेट, 242 रन है, 150, 13 इनिंग्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। इस साल फॉर्म भी क्वेश्चन मार्क रहा है, 5 रन 4 रन 53 रन 2 विकेट 11 रन 3 विकेट, इस तरह से फॉर्म है। क्लारे मोरे का 5 रन हेड टू हेड के अंदर फॉर्म, 6, 1, 20, 16, 25 नाबाद, 6, 22 नाबाद, 52, 51, 21 नाबाद, 25। एनिका लियॉर्ड राइटी बैटर पार्ट टाइम लेग स्पिनर, 4 मैच में 29 रन है हेड टू हेड के अंदर फॉर्म, 0, 7, 91, 131, 13, 12, 45, 21, 4 नाबाद, 26। सैमी जॉनसन बहुत अच्छी प्लेयर है, 4 मैच में 6 विकेट से हेड टू हेड के अंदर बल्ले से 34 रन है फॉर्म, 7 रन 1 विकेट, 28 रन 2 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 41 रन 0 विकेट, 48 रन 0 विकेट, कहीं ना कहीं से वैल्यू दे जाएगी आपको विद द बैट या तो विद द बॉल। सेम फॉर द मैटलिन ब्राउन, द 100 इनका बहुत खराब गया था रिसेंटली, बट आप एक्सपेक्ट करिए मैटलिन ब्राउन से यहाँ पर आके एक अच्छा प्रदर्शन दे। 7 मैचेस में 5 विकेट, 49 रन विद द बैट हेड टू हेड के अंदर।
सारा कॉइटे 15 में 23 विकेट हैं, ग्रैंड लीग की सबसे टॉप कैप्टनसी ऑप्शन बन जाती है। फॉर्म देखें आप इनका, 4-1-3-4-0-2-3-2-1-5, कमाल की बॉलर है। लास्ट सीजन की हाइस्ट विकेट टेकर थी WNCL की। हेलन डार्लिंगटन इंजरी से जूझ रही हैं, 2 साल से बहुत परेशान हो रखी हैं, वरना पहले बहुत अच्छी प्लेयर थी ये। 32 रन 1 विकेट 13 रन 1 विकेट 11 रन 0 विकेट, डेथ और स्पेशलिस्ट है, देखते हैं कैसा करती है ये। जड एलेन 3 मैचेस के अंदर 2 विकेट 12 रन है, इस टीम की वाइस कैप्टन हेलन डार्लिंगटन। फॉर्म आप देख सकते हैं, सृष्टि का ऑर्ली एटोड वेन्यू निकली, फॉर्म कोई खास नहीं है। ये सब बेंच प्लेयर्स है, स्क्वाड के अंदर नहीं है। लॉरा चिटेल इंजर्ड है, जॉर्ज एडम्स इंग्लैंड के अंदर है, कमाल की प्लेयर है ये। स्टेला कैम्बल के पास स्पेस, ये सब भी नहीं खेलेंगी। स्टार्टिंग और सैमी जो जॉनसन, मैटलिन ब्राउन, डेथ के अंदर सैमी, मैटलिन ब्राउन, डार्लिंगटन और कोई भी स्पिनर का मुड़वा तो आ सकता है उठ के। जॉर्ज एडमाई ने 8 मैचेस में 287 रन्स है, 48 की एवरेज है, 10 कैचेस पकड़े हैं, 250 आठ इनिंग्स के अंदर, वेन्यू पे नहीं खेला, मस्ट पिक फ्रॉम माई साइड। फॉर्म 7-14-28 नाबाद 16-64-5-4-33-3-98 नाबाद। जॉर्जो वॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं 51 की एवरेज है, 4 मैचेस में 205 रन से, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 1 शतक 1 अर्धशतक है 4 इनिंग्स में। फॉर्म 23 रन 1 विकेट 0 रन 1 विकेट 61 रन 0 विकेट 24 रन 0 7 32 25 38 16। चार्ली नॉट 4 मैचेस के अंदर 5 विकेट 120 रन है, ये भी बहुत इंप्रेसिव क्रिकेटर है। फॉर्म आप खुद देख सकते हैं, 13 रन 1 विकेट 38 रन 3 विकेट 8 रन 1 विकेट 3 रन 30+0, कहीं ना कहीं से आपको 50-60 पॉइंट देखी जाएगी कम से कम। ग्रेस हैरिस 16 मैचेस के अंदर 204 रन से, इस टीम के अगेंस्ट 14 विकेटें हैं, 250 15 इनिंग्स में। फॉर्म इनका क्वेश्चन मार्क था 100 के अंदर। मक्का एंकली का 5 मैच में 50 रन है, थोड़ी सी रिस्की है, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो बैटिंग फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर। लॉरा हैरिस 8 मैच में 203 रन है, हीटर ऑफ द बॉल है, बोनस पॉइंट अलग देके जाती है ये, छक्के लंबे लंबे मारती है, बट देखेंगे क्या इस मैच में ये कर पाएगी वैसा काम। जेएस का 18 मैच में 27 विकेट 182 रन है अगेंस्ट न्यू साउथ वेल्स। फॉर्म 4 रन 2 विकेट 5 रन 3 विकेट, बहुत अच्छी स्पिनर है, बैटिंग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। शेना गिंगर, क्योंकि अभी बैटिंग पता नहीं इतनी खास नहीं कर रही जितना मैं इनको देख रहा हूँ कुछ टाइम से, और इसको टाइम मिलता भी नहीं है इंटरनेशनल के अंदर बैटिंग करने का। इनका टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रांग होता है ऑस्ट्रेलिया का, बैटिंग इसकी बहुत लेट आती है। शियाना गिंगर 35 रन, जिंजर केलो 35-33 असला अदरक है क्या, 0 रन 3 विकेट 14 रन 0 विकेट 11 रन 3 विकेट है। काटनी सिपेल मस्ट पिक, 4 मैचेस में 8 विकेट है और 28 रन बल्ले से। लास्ट सीजन में आपको मैंने बताया था इसने क्या किया था, काटनी सिपेल ने, दिखाऊं मैं आपको इन्होंने किया था भाई साहब। कटनी सिपेल ने 12 मैचेस में 18 विकेट निकाले थे, इस टीम की हाइस्ट विकेट टेकर थी लास्ट सीजन के अंदर। फिर से चलते हैं कटनी सिपेल की तरफ। फॉर्म 1 विकेट 3-0-0 43 रन 1 विकेट 7 रन 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। हैंकॉक 11 में 5 विकेट 64 रन है, ये भी बहुत इंप्रेसिव प्लेयर है, 3 रन 1 विकेट 23 रन 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट इस तरह से रहा है। ग्रेस पार्सन लेग स्पिनर है, दिन रात तो चलेगी वरना नहीं, 1 मैच में 1 विकेट है एटवर्ड के अंदर, सामने बहुत अच्छे बैटर्स है वैसे, हेली रिन बिंस वगैरह, 10 रन 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, अच्छा फॉर्म है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कुक को ट्राई किया जा सकता है, 10 मैचेस में 5 विकेट 155 रन है, बैटिंग अच्छी करती हैं ये, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रही हैं आजकल ये। लूसी हैमिल्टन का आप देख लो, मिली जॉनस्टन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रिच जॉनस्टन थोड़ी बहुत बॉलिंग करती हैं बैटिंग भी कर लेती हैं। स्टार्टिंग और कटनी सिपेल, निकोला हैंकॉक, डेथर के अंदर जैस जनसन, कटनी सिपेल, निकोला हैंकॉक। और बड़ी बात क्या है, जो 28% GST आपका लगने वाला है 1 अक्टूबर से, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा एक्सचेंज 22 के ऊपर। साइन अप कर लेना, रेफर कोड P11 है, और इस पे खेलने का फायदा क्या तो मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली इंडिया श्रीलंका का एशिया कप का फाइनल था, 16,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे, 18 और विलिंग हुई थी यहाँ पे 26,000, 7,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इसमें मैंने सोल्ड किया था कुशाल परेरा को, निशांका को, पति राणा को, केएल राहुल को, ये चारों नहीं चले थे। जो प्लेयर आपको लगता है नहीं चले उसको सेल कर दो। हार्दिक पांड्या को सेल किया था मैंने, इसलिए थोड़ा सा ये 8,000 का ही प्रॉफिट बना, वरना 12-13,000 का प्रॉफिट बन जाता अगर अच्छा गेम चले जाता तो। ये तो ये फ़ायदा यहाँ पर खेलने का, आइए ये सिद्धार बनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर खेल के। और फ़ायदा यह खेलने का, पहली बार आप डिपॉजिट करते हो 1,000 रुपया तो आपको 1,700 रुपये मिलते हैं, 500 रुपीज़ बोनस, 200 रुपीज़ आपको रियल कैश मिल जाता है डिपॉजिट सेक्शन के अंदर। खेल के देखना, मैं आपको पिक शेयर करके दूंगा। कॉमन कैप्टन गार्डनर, जेस जेनसन अलग जाना है, रिन बिंस है, चार्ली नॉट है, दोनों प्योर ऑलराउंडर्स है, मैटलिन ब्राउन और सैमी जो जॉनसन भी एक ऑलराउंडर है, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नाम दिए ना, ये आपको ड्रीम टीम में दिखने चाहिए 90%, और यही इनमें से कोई एक कैप्टन होगा।
तो ग्रेस हैरिस को भी लिया जा सकता है, बट उसका फॉर्म क्वेश्चन मार्क है। टीम्स की बात करें फटाफट, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कैप्टन किया एश गार्डनर को, वाइस कैप्टन मेरे पास जेस जेनसन है। आप चाहे तो यहाँ पे जा सकते हो चार्ली नॉट के साथ, जनता ने 23% इसको वाइस कैप्टन किया है, मतलब खराब पिक नहीं है। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना प्लस आपको 7 से 8 और बॉलिंग करके देना, ऐसी प्लेयर है। सीपीएल को मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता मैं ड्रॉप समी जॉनसन को, सारा कोयटे, जेस जेनसन, एरिन बिन्स है। बिन्स पे आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि जब गार्डनर इस टीम में आ जाती है तो एरिन बिन्स का रोल हल्का सा कम सा होता मेरे को दिखता है। बट लेट्स सी, जब गार्डनर चली जाएगी तो एरिन बिन्स टॉप कैप्टनसी ऑप्शन बन जाती है, बॉलिंग करती है पूरी। अभी तो गार्डनर ही बॉलिंग करेंगे, आपने पता है एरिन बिन्स शायद बॉलिंग करें, मना नहीं कर रहा मैं, स्पिन होगा तो पक्का बॉलिंग करेंगी, वैसे भी कर सकती हैं। हैली रडमाइन इंपॉर्टेंट पिक्स है, तालिया विल्सन को ट्राई जरूर करना, जनता ड्रॉप करके चलेगी, लास्ट सीजन ब्रेकआउट सीजन था इनका। लॉर हैरिस आप ट्राई कर सकते हो, 90% सिलेक्शन है भाई इसका, बढ़िया हिटर है, चली तो चली राम भरोसे। पॉबी रिचफील्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रेस हैरिस अच्छी भी रहेंगी। फिर से जॉर्जिया वॉल, जनता इसकी तरफ नहीं देख रही है, जॉर्जिया वॉल कमाल की बैटर रही है हमेशा, रन्स करके देती हैं, पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालती हैं, अच्छी प्लेयर है। जॉर्जिया वॉल पे नजर रखना, लास्ट सीजन इस टीम की हाइस्ट रन गेटर थी है, क्वींसलैंड वीमेन की, क्वींसलैंड फायर की। गार्डनर इंपॉर्टेंट, चार्ली नॉट इंपॉर्टेंट, एरिन बिन्स 50-50 कॉल है मेरा, एडम्स आपका कॉल अवेलेबल ही नहीं है, सीधी बात कहूँ तो। कटने से पहले इंपॉर्टेंट है, डल इंटर को ग्राइंडिंग में ट्राई करना, बॉलिंग फर्स्ट में, डेथर में बॉलिंग करने आ सकती है। सेमी बोथ इनिंग्स इंपॉर्टेंट होगी विद द बैट विद द बॉल। जेस क्वालिटे इंपॉर्टेंट, हैंकॉक को ट्राई कर सकते हो, मैटलिन ब्राउन और ग्रेस पेरिसन ग्रैंड लीग पिक बन जाती है, यहाँ से दो पिक्स है ग्रैंड लीग के लिए। हैंकॉक 50-50 है, कभी कभार चलती हैं, बट मना नहीं करूंगा, आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग भी अच्छी कर लेती है, निकालो हैंकॉक, ऑलराउंडर है प्योर। तो ये तीन ग्रैंड लीग पिक्स मेरे लिए निकल के आ रहे हैं, यहाँ से डलिंगटन और यहाँ से जॉर्जिया वॉल, पांच ग्रैंड लीग पिक बन गए। मतलब मेका एंकली को भी बैटिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, सिचुएशन दे रहा हूँ मैं तो, ये कुछ ग्रैंड लीग के पिक्स हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मका एंकली को भी चलो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, सिचुएशन बता देता हूँ मैं आपको। सिचुएशन ये कहती है कि जॉर्ज वॉल बोथ द इनिंग्स, मका एंकली बैटिंग फर्स्ट, डलिंगटन बॉलिंग फर्स्ट, एंड निकोला हैंकॉक बोथ द इनिंग्स, ग्रेस पर्सन बोथ द इनिंग्स स्पेशली सेकंड इनिंग्स के अंदर, मैटलिन ब्राउन बोथ द इनिंग्स में ट्राई किया जा सकता है। देखते रहे स्टैट्स, रुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, सी सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग क्लैश। एरिन बिन्स को ड्रॉप करने का रिस्क लेना है तो सेकंड इनिंग्स में जब वो चेस करती हैं तब आप उनको ड्रॉप कर सकते हो, जब उनकी टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी। लव यू, बहुत रिस्की है, कैलकुलेशन करके देखना आप।